but it's a bit like a reflection by it. पराजित कर पाए जिन्होंने हमारे बाबा का की हत्या की। आशीर्वाद दीजिए मामा कि हम देर करके राज सिंहासन की रक्षा कर पाए। आपका स्वागत है पीएनडी में, एक बार फिर आपका कमबैक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट टाइम वापस बात हो रही है हमारी? जी, तो मैं वापस 6 महीने के बाद महावीर बनकर आया हूँ और इस बार महावीर से बहुत बड़ा अधिनायक वनराज बनकर आया हूँ। और इसके पहले तो और ज़्यादा खूंखार लुक था, अभी आप देख सकते हैं कैसे मैं लदा हुआ हूँ कपड़ों से, दाढ़ी से, मूंछ से, विग से। तो मैं हर बार तेनाली से कंपेयर करता हूँ जहाँ मैं बिल्कुल खुला था, एकदम ना बाल थे ना कपड़े थे, एकदम आज़ाद काम करता था। यहाँ पर मैं उतना ही ज़्यादा भार में काम कर रहा हूँ, बट द काइंड ऑफ कैरेक्टर दिस टाइम आई एम प्लेइंग too intense and too rageful और बहुत ही venomous है और बदला लेने आया है और बहुत खूंखार बनकर आया है। तो एज एन एक्टर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है करने में, एंड आई एम हैप्पी टू बी बैक इन ध्रुव तारा, बिकॉज पिछले वाला महावीर जो था वो बहुत सोबर, सिंपल, सौम्य, प्यार से बात करने वाला था। इस बार वाला जो महावीर है वो सीधे मुँह बात नहीं करता, वो सबकी इंसल्ट करता है, उसके अपने रीजन्स हैं, बट एज एन एक्टर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं किसी के साथ फिल्म की बात करूँ तो शौर्य से गले मिलते वक्त जी, अब महावीर है तो बहुत ही इमोशनल इंसान, उसके साथ जो हुआ उसकी वजह से आज वो इस हालत में पहुंच गया है कि वो बदला लेने की अग्नि में जल रहा है। लेकिन बात जब इमोशन की आती है और अपने भांजे ने पहली बार उसको गले लगाया है तो इमोशन तो मरते ही हैं, लेकिन महावीर ने फिर उसे कंट्रोल किया और उसको दूर किया और प्यार नहीं जताया। तो अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है स्टोरी में कि महावीर अपने प्यार को, अपने इमोशन को नहीं जताते हैं, सिर्फ एक ही इमोशन बताते हैं, वो है क्रोध, गुस्सा और बदला। बट यहाँ पे तारा को हम किसी चीज को लेके पूछ रहे थे कि आपने नहीं बताया क्या शौर्य को, अभी वो कौन सी बात थी जो तारा से पूछा कि आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं ही वही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।